नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के अभी लोगों में एक अलग ही आक्रोश देखा जा रहा है और ये आक्रोश चीन को लेकर है। और ये दोस्तों, इस आक्रोश का कारण क्या है? तो 15 जून के रात को हुई हिंसक झड़प जो कि चाइनीज और भारतीय सैनिकों के बीच हुई थी और जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिक को शहादत देनी पड़ी, वीरगति को वो प्राप्त हुए। दोस्तों, यहाँ पे चाइना को भी कैजुअल्टीज हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो हम इंडियंस की ही बात करेंगे। और दोस्तों, इन 20 शहीदों की वजह से ही जो भारत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। और दोस्तों, इसी गुस्से में भारत देश के अलग अलग कोने से आवाज़ें उठ रही हैं कि चाइना के साथ व्यापार को पूरी तरीके से बंद करो, जो चाइनीज सामान है उसका बॉयकॉट करो, जो रेस्टोरेंट जो है चाइनीज और डिशेज को, फूड्स को बेच रहे हैं उनको बैन करो। दोस्तों, इस तरीके से जो है ना आवाज़ें पूरे भारत से आ रही है, कोई पोस्टर जला रहा है, कोई खिलौने जला रहा है, कोई टीवी तोड़ रहे हैं। तो इस तरीके के विजुअल्स आपको हर दिन अभी टीवी पे देखने को मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू बॉयकॉट द चाइनीज गुड, एंड इफ़ येस देन एट वट कॉस्ट? यानी कि अगर हमारे लिए संभव है अगर, तो फिर एट वट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी हमको, हमको कितना नुकसान होगा? तो दोस्तों, नुकसान और फ़ायदा तो हम तभी जान पाएंगे जब हम उसके जड़ पे जाएंगे, जब हम एकदम रूट लेवल पे जाएंगे, रूट कॉज पे जाएंगे, हम जब डेटा को जानेंगे, जब हम पूरे स्टैट्स को जानेंगे कि हम चाइना के साथ हमारा बिजनेस कितना है, हम उनसे कितना सामान खरीदते हैं या हम उनको कितना बेचते हैं, वहाँ से कितना मंगाते हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमको नहीं पता चल पाएगा। सिर्फ कुछ इमोशंस के कारण, कुछ आक्रोश के कारण हम ये फैसला नहीं ले सकते हैं कि हमको चाइना से बंद कर देना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या बैन करना चाहिए। ये तो हम तभी जान पाएंगे जब हमको पूरी जानकारी होगी कि हम कौन सा सामान कितना चाइना से मंगा रहे हैं या हमारा जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है चाइना पे, वो कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सभी डेटा को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपसे डेटा शेयर करने से पहले मैं एक आपको स्टेटमेंट ग्लोबल टाइम्स में छपा था वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स जो है वो चाइना का माउथपीस है। माउथपीस का मतलब चाइनीज सरकार जो कहना चाहती है, जो बताना चाहती है किसी देश को या पूरी दुनिया को, तो वो डायरेक्ट नहीं बोलती है, वो ग्लोबल टाइम्स में अपने स्टेटमेंट को छपवाती है। वहाँ का स्टेट ओन्ड न्यूज़पेपर है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है उसका ये न्यूज़पेपर है। तो दोस्तों, उसमें क्या छपा है आप पहले उस बात को जानिए। उसमें छपा है कि चाइना जीडीपी इज 5 times दैट ऑफ इंडिया, यानी कि चाइना का जो जीडीपी है वो भारत से 5 गुना ज़्यादा है। विथ सच अ गैप हाउ कुड इट बी ईजी फॉर अ स्मॉलर इकॉनमी टू सैंक्शन अ लार्जर वन? तो ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा गैप है, 5 गुना ज़्यादा है इंडिया से चाइना का जीडीपी, तो इतने गैप होने के बावजूद भी कैसे एक जो छोटा इकॉनमी है, यानी कि उनका इकॉनमी हमसे बड़ा है और हमारा उनसे छोटा है, तो वो यही कह रहे हैं कि छोटा इकॉनमी कैसे बड़े इकॉनमी पे इकॉनमी सेक्शन लगा सकता है। इंडिया विल सफ़र मोर लॉसेस इफ़ इट लॉन्चेस अ ट्रेड वॉर अगेंस्ट द चाइना। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया ट्रेड वॉर लॉन्च करेगा चाइना के खिलाफ, तो इससे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा, चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि चाइना इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों है, क्यों इतने एरोगेंस के साथ बोल रहा है। तो दोस्तों, उसके पीछे कारण है, यहाँ पे हमारी कमजोरी है और उसी कमजोरी को वो जानते हैं, उनको पता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये हमें कुछ देर के लिए हमें बेकार लग सकता है एज ए इंडियन कि चाइना इतना एरोगेंट होके हमें बोल रहा है, जबकि हम डेवलप कर रहे हैं डे बाई डे। तो चलिए उस डेटा को जानते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके अलग अलग सेक्टर में इंडिया कितना ज़्यादा उस पर डिपेंड है चाइना पे, मैं वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर हम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट, तो दोस्तों 30% जो है वो हम चाइना से मंगाते हैं, इम्पोर्ट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम 70-75% जो है वो चाइना से मंगाते हैं। 45% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं वो हम चाइना से मंगाते हैं। अब यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब क्या है, इसमें कवर हो गया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, स्मार्टफोन्स, सोलर सेल्स, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, फुटवेयर, टॉयज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ गया, जो कि हम 45% चाइना से मंगाते हैं। उसके बाद 70% एपीआई दोस्तों मेडिसिन का अगर आपको ज्ञान है तो आपको ये समझ में आएगा। और 40% जो लेदर वुड है वो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से।
अब दोस्तों अगर हम बात मोबाइल कंपनी की बात करें तो दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी अगर मोबाइल कंपनी का शेयर है तो वो है Xiaomi का, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और इंडियन मार्केट में उसका 31% का कंट्रोल है। और दोस्तों अगर हम बात करें जितने भी चाइनीज़ कंपनी मोबाइल कंपनी जो इंडिया में बेच रही हैं ओपनी मोबाइल, तो अगर हम बात करें तो चाइनीज़ की जो चाइना के कंपनी है उनका 72% 72-75% कंट्रोल है इंडिया के ऊपर। अब इसमें ये सारी कंपनी आ जाते हैं Xiaomi, Vivo, Realme, OnePlus, Oppo। अगर हम इन ये पाँचों चाइनीज़ कंपनी है और अगर हम इनका शेयर जोड़ दें कि किस कंपनी का कितना कितना शेयर है, तो दोस्तों ये शेयर बन जाता है अप्रॉक्स 72-75% के बीच में, अप एंड डाउन होता रहता है, फिलहाल 72% है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी मोबाइल हमारे पास अवेलेबल हो रहा है उसका 72% उस मार्केट में चाइनीज का कंट्रोल है। अब बाकी बचे जो 28% है उसमें सैमसंग, एप्पल, मोटोरोला वगैरह वगैरह ये सारे हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों इनका इतना ज़्यादा कंट्रोल है। तो दोस्तों इंडिया में ये देखा गया है कि जो 33% आउट ऑफ 100% की अगर हम बात करें तो 33% जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं 11,000 से 18,000 के बीच में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, जिसका कि उनके हिसाब से कैमरा बढ़िया हो, उसका जो कैमरा का क्वालिटी हो वो बढ़िया हो, एंड वो जितने भी फीचर्स चाहते हैं अपने लिए वो सब उसमें उनका अवेलेबल हो। तो इस रेंज में चाइनीज़ मोबाइल बड़े आराम से मिल जाता है और जो एक मिडिल क्लास आप कह सकते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इस मोबाइल को अफोर्ड कर लेते हैं इस रेंज में। और दोस्तों फिलहाल 33% है, लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि अभी इस सेगमेंट में यानी कि 11 से 18 हज़ार के जो ये सेगमेंट है इसमें और भी 33% से नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा जो इस रेंज के मोबाइल को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मोबाइल कंपनी के बाद। दोस्तों उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, अगर हम कि कितना ट्रेड डेफिसिट है दोनों कंट्री के बीच में, तो दोस्तों ये डेटा जो है ये 2019 का है। इंडिया और चाइना के बीच में 88 बिलियन US डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें कि इंडिया और चाइना के बीच का हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो है 52%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गैप है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट गैप है। अगर हम किसी भी दो कंट्री के अगर हम लेते हैं ट्रेडिंग पार्टनर, तो उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो ये गैप है ये तो काफ़ी बड़ा माना जाता है 52% इंडिया और चाइना। और ये 52% क्या बता रहा है हमको, ये 52% हमको ये बता रहा है कि हम चाइना को कम सामान बेच रहे हैं और चाइना हमें बहुत ज़्यादा सामान बेच रहा है, यानी कि हमारा ज़्यादा निर्भरता है चाइना के ऊपर, ना कि चाइना हमारे ऊपर निर्भर है। अब दोस्तों अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइनीज़ कंपनी के इंडिया में, तो दोस्तों उन कंपनीज के भी नाम को जानते हैं। दोस्तों Huawei और Xiaomi, इनके अभी 13 प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में चल रहे हैं। नोवा एयर, ये भी एक चाइनीज़ कंपनी है, इसका 6 प्रोजेक्ट चल रहा है। और Vivo एंड ZTE, इनके 5-5 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया में अभी चल रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के माइंड में हमेशा एक सवाल आता है कि हम चाइना से उनका सामान लेना बंद कर देंगे तो चाइना को नुकसान होगा, या आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि चाइना के लिए हम सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं या सबसे बड़ा मार्केट चाइना के लिए जो है वो इंडिया है। तो दोस्तों आप इस गलतफहमी में ना रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों ये कैसे पता चलेगा आपको, तो ये आपको डेटा समझना पड़ेगा। दोस्तों हमारे लिए चाइना नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो चाइना के साथ करते हैं। दूसरे तीसरे नंबर पे हम जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं दोस्तों, उसमें आ जाते हैं UAE, दूसरे नंबर पे है US, उसके बाद आता है UAE, सऊदी अरेबिया। इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो जाके ये चाइना के इक्वल होंगे, यानी कि हम एक तरफ जितना चाइना के साथ ट्रेड करते हैं और दूसरे तीसरे और चौथे नंबर के जो कंट्रीज हैं जिनके जो हमारे ट्रेड पार्टनर हैं, तो दूसरा पे US, तीसरा पे UAE, चौथे पे सऊदी अरेबिया। अगर हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रैंक के कंट्रीज को ऐड कर देंगे, उतना इकलौता हम अकेले चाइना के साथ जो है और ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात कर ले चाइना के, तो चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चाइना अगर हम चाइनीज़ की बात कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा उनका पार्टनर है US, हम नहीं है उनके लिए सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर। हमारे लिए वो है लेकिन हम उनके लिए नहीं है। और हम उनके लिए कितने नंबर पे हैं, तो दोस्तों चाइना जो है वो तो लगभग दुनिया के जितने भी देश हैं सबको सामान बेचता है, तो उसके लिए तो सभी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हम उनके ट्रेडिंग पार्टनर के जो लिस्ट है, रैंकिंग है, उसमें हम 12वें नंबर पे आते हैं।
यानी कि हमसे ज़्यादा वो बाकी 11 देशों में बेचता है, जैसे कि रशिया हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज में वो हमसे ज़्यादा सामान बेचता है। तो दोस्तों आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हम चाइना के लिए बहुत बड़ा कोई मार्केट है। दोस्तों इंडिया जो वो ट्रेडिंग की बात करें तो उसके 100% अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इंडिया के साथ सिर्फ वो 2.1% करता है और US के साथ उसका जो ट्रेडिंग परसेंट है वो 13.7% है। दोस्तों चाइनीज कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ा है। अगर हम 2011 की बात करें तो इंडिया में कुल 21 कंपनीज थी, लेकिन 2019 आते आते तक ये 48 कंपनीज हो गई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज कंपनी इंडिया में आई हैं। और दोस्तों कोई भी कंपनी तो अपना सामान बेचने ही इंडिया में आता है, कोई यहाँ पर पूजा पाठ तो करने वो लोग आए नहीं हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि चाइना हमसे कितना लेता है या हम उनसे कितना मंगाते हैं और कितना उनको भेजते हैं। तो दोस्तों चाइना को हम सिर्फ अपने पूरे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टोटल ओनली 5% वो उनको हम भेजते हैं, और उनसे हम कितना मंगाते हैं तो हम 15% उनसे मंगाते हैं। दोस्तों मंगाने का मतलब कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो चाइना से 15% है और जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ 5% है हमारा। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें दोस्तों तो चाइना जो हमको एक्सपोर्ट करता है, यानी कि चाइना, देखिए हम चाइना से मंगा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हम चाइनीज हैं तो अगर हम चाइनीज अगर बन के आप समझिए तो चाइना जो हमको सामान बेचता है और पूरी दुनिया को जो बेचता है, तो अगर हम पूरी दुनिया में हम परसेंटेज निकालें तो इंडिया का जो है वो सिर्फ 2 से 4% है, यानी कि उसके टोटल एक्सपोर्ट, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, वो जितना एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 2 से 4%, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो अराउंड 3% सिर्फ इंडिया को वो बेचता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन वो जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ हम 2 से 3% है, और हमसे वो कितना सामान मंगाता है तो दोस्तों वो सिर्फ 1% है। ऐसा भी नहीं है कि हम उनको बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं तो हम वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाएंगे। अगर उनके हम टोटल इम्पोर्ट की बात करें कि चाइना कितना सामान दूसरे देशों से लेता है तो इंडिया से वो 1% से भी कम लेता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को देखिए कि हमसे जब लेने की बारी आ रही है तो वो 1% से भी कम, यानी कि हमारे ऊपर उनका डिपेंडेंस 1% से भी कम है। वो जो सामान हमको बेच रहे हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, उनके टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो इंडिया का, यानी कि इंडिया को वो 3% सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी 97% एक्सपोर्ट वो दुनिया के बाकी दूसरे मुल्कों को करते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 15% काफ़ी बड़ा नंबर है, 15% जो है अपना इम्पोर्ट है वो चाइना से करवाता है, और एक्सपोर्ट की बात करें उसके टोटल एक्सपोर्ट की तो सिर्फ 5% है। तो दोस्तों ये सब जो डेटा है वो कहाँ इशारा कर रहे हैं आपको समझने की ज़रूरत है। इन सभी डेटा से तो हमको यही पता चल रहा है कि हम चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। अब दोस्तों जो चाइनीज कंपनी है, खासकर जो चाइनीज टेक इन्वेस्टर, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज में, स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट करती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों चाइनीज जो इन्वेस्टर है उन्होंने $4 बिलियन इंडिया के स्टार्टअप में या जो ऑलरेडी चल रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी उनमें उन्होंने पैसा लगा रखा है, जैसे कि इंडियन कंपनीज लाइक बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी, ओयो, ओला, उबर, ये जितने भी कंपनीज हैं, बिग बाजार, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इन सबको अगर हम देखें तो इनमें चाइना जो है वो $4 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो डायरेक्टली दोस्तों इनका भी कहीं ना कहीं फंड चाइना से ही आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम ऐप की बात करें तो 50% जो इंडिया में हम लोग डाउनलोड करते हैं ऐप गूगल प्ले से, वो 50% आप कह सकते हैं कि मोर देन 50% भी चाइनीज ऐप होते हैं। दोस्तों वहाँ पे भी हम लोग चाइना पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। तो दोस्तों आप इन डेटा को समझिए कि चाहे ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो जो कि हमारे डेली का जो हम यूजेस का सामान है, API हो या लेदर गुड्स हो, इन सब में हम मोर देन 50% जो है वो हम चाइना पे डिपेंड हो रहे हैं। मोबाइल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 72 से 75% जो कब्जा है, जो कंट्रोल है वो चाइनीज कंपनीज का है। उसके बाद जो हमारे स्टार्टअप हैं उसमें चाइनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, करीब 4 बिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फिर जो हम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वहाँ पे भी 50% जो है वो चाइनीज हम लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन होल अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो चाइना के लिए आसान है कि वो हमको बॉयकॉट कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो हमको कर सकते हैं, उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हमको चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं तो दोस्तों ये हमारे लिए कतई संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। कि रोड पे जो हम आक्रोश देख रहे हैं अपने लोगों में, दोस्तों मैं उनके आक्रोश का इज्जत करता हूं और हम सबको बहुत दुख है इस बात का कि जो हमारे
फौज है जो हमारे सैनिक है वहाँ पे लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उनकी शहादत उनको देनी पड़ी है दोस्तों। नो डाउट हम सबको ये बहुत दुखद समाचार था हम लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों कुछ जो फैसले होते हैं वो इमोशन से नहीं लिए जाते हैं, उसके लिए हमको अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा, हमको पूरा डेटा को जानना पड़ेगा कि हमारा हम किस कितने पानी में हैं, क्या हम इस पोजीशन में है कि हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हमारा दूसरा प्लान लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म जो प्लान है वही यहाँ पे संभव है कि धीरे धीरे करके जो हमारा डिपेंडेंसी है, जो हमारा निर्भरता है वो हम कम करें, और उसके बाद अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि जब हम चाइना को बॉयकॉट करने की सोच सकते हैं तो दोस्तों उस वक्त के लिए तो सही है। लेकिन ये जितने भी मैंने आपसे डेटा शेयर किया है, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो के बाद आप भी बोल सकेंगे कि नहीं, हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम चाइना को बॉयकॉट कर सकें। दोस्तों कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि हमने चाइना को बॉयकॉट कर भी लिया, तो दोस्तों आप जरा सोच के देखिए कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का है, जो पिछले एक साल से या 6 महीने से हर महीने वो अपने कमाई का 1000 या 1500 रुपये जमा कर रहा था कि उसको अब स्मार्टफोन लेना है, टच स्क्रीन फ़ोन लेना है, अब तक उसके पास एक बटन वाला कीपैड मोबाइल है, तो दोस्तों हर महीने वो 1500 रुपये 1200 जमा करके कुल मिला के वो 15 या 18 हज़ार का कोई मोबाइल लेना चाहता है जिसमें सब फीचर हो, उसके जितने भी डिमांड्स हो नीड्स हो वो पूरा हो जाए उस मोबाइल से, तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली है कि वो चाइनीज़ मोबाइल लेगा। तो दोस्तों अब वो पिछले एक साल से पैसा जमा कर रहा है और आप एकाएक मोबाइल जो है वो प्राइस बढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप चाइनीज़ मत लीजिए, आपको अब US का या साउथ कोरियन या इंडियन जो कंपनी है उसका आपको मोबाइल लेना है जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो दोस्तों उसके लिए वो संभव नहीं हो पाएगा लेना। अगर आप उसको 15,000 के जगह बोलिएगा कि 30,000 का आपको मोबाइल लेना है अपना क्योंकि हम चाइनीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, तो उसके लिए दोस्तों संभव नहीं हो पाएगा। और उस एक बंदे जैसा इंसान जैसा दुनिया भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत दिन पैसा जमा करते हैं तब जाके एक मोबाइल फ़ोन ले पाते हैं, घर में एक AC लगा पाते हैं। नो डाउट दोस्तों जो इंडिया के अपर मिडिल क्लास के लोग हैं या जो रिच लोग हैं अमीर लोग हैं वो लोग अगर बॉयकॉट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो एप्पल का फ़ोन भी ले सकते हैं, सैमसंग का फ़ोन भी ले सकते हैं जो महंगे हैं, नो डाउट उनके लिए संभव है। लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आबादी है, वो 11 से 15-20 हज़ार के बीच में ही वो लेना चाहते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो तो 11,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो लगभग इंडिया के अभी फ़िलहाल इंडिया में 400 मिलियन मोबाइल यूजर है, स्मार्टफोन यूजर है, दोस्तों ये घट के इसका आधा से आधा भी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मोबाइल की बात हो, चाहे वो AC की बात हो, रेफ्रिजरेटर की बात हो। दोस्तों अगर बॉयकॉट होगा तो जो रिच लोग हैं अमीर लोग हैं वो तो बॉयकॉट कर सकते हैं, उनके लिए संभव है, लेकिन जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या जो पुअर लोग हैं उनके लिए, गरीब लोगों के लिए ये संभव नहीं है, और उनका भूखा मरने का जो आप कह सकते हैं कि वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, उनकी कोई ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी ज़रूरतें हैं वो चाइनीज़ कंपनी ही पूरा कर रही हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। और दोस्तों अब तक जो मैंने कहा ये तो फिनिशिंग, जो मोबाइल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब तो फिनिश गुड्स है जो हम तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन दोस्तों जो हमारी इंडियन कंपनीज है, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, बजाज हो, महिंद्रा हो, दोस्तों इन कंपनीज़ के भी, ये कंपनीज़ भी ऐसा नहीं है कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं और हम लोग कह देते हैं कि इंडियन कंपनी इट्स ओके इंडिया में बन रहा है, लेकिन जो इन कंपनीज में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो इंटरमीडिएट बीच बीच का जो सामान चाहिए होता है, इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए होता है, वो ये लोग चाइना से मंगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग चाइना पे डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर चाइना से हम ये लोग रॉ मटेरियल मंगाना बंद कर देंगे, ये साउथ कोरिया से मंगाएंगे या यूरोपियन कंट्रीज से अगर मंगाते हैं या जापान से मंगाते हैं, तो दोस्तों वहाँ से उनको रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा, इंटरमीडिएट गुड्स ही महंगा मिलेगा, तो फिर जो इनका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और जब हम तक आएगा तो वो भी ऑब्वियसली बात है कि वो भी महंगा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन जो कंपनीज के सामान है वो थोड़ा महंगा होता है। तो दोस्तों जितना भी मैंने आपसे डेटा शेयर किया है इससे तो यही पता चलता है कि हम लोग इस पोजीशन में नहीं है अभी कि हम लोग चाइना के जो सामान है उसको अभी बॉयकॉट कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस वक्त कोरोना की वजह से कहिए या फिर वैसे भी कोरोना से पहले से भी जो हमारी इकोनॉमी की हालत है इस वक्त ठीक नहीं है, और पिछले 20 से 25 सालों में अभी जो एक हमारा इकोनॉमी है वो बुरे दौर से गुजर रहा है, और अगर ऐसे टाइम में इस तरीके का स्टेप अगर सरकार लेगी कि हम चाइनीज सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं, चाइनीज कंपनीज को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा और इसका आपको इफेक्ट दिखेगा, अनएम्प्लॉय जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका जो
डर है, रेट है वो बढ़ने में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो पाएंगे। तो दोस्तों एक और अनएम्प्लॉयड वो उनका रोजगार चला जाएगा और दूसरी ओर उनके उनके जेब में पैसे नहीं होंगे कि वो महंगा सामान लेंगे। तो दोस्तों चारों तरफ से यहाँ पे जो नुकसान है वो इंडिया का ही है, चाइना का यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा अगर उनके साथ हम ट्रेड को बॉयकॉट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चाइना जो है वो हमें आसानी से बॉयकॉट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम चाइना को बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ये कहा था कि वी कैन बॉयकॉट चाइना बट एट व्हाट कॉस्ट, हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, तो उस नुकसान को मैंने कोशिश किया था कि आपको इन डेटा इन स्टैट्स के द्वारा माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ। और दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको जाते जाते और बताना चाहता हूँ, आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट का थोड़ा सा फेलियर मान सकते हैं कि मेक इन इंडिया जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन दोस्तों मेक इन इंडिया होने के बावजूद भी यहाँ पे मेक इन इंडिया पे एक सवाल खड़ा होता है कि मेक इन इंडिया होने के बावजूद भी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 52 बिलियन US डॉलर है। और जब मेक इन इंडिया स्टार्ट नहीं हुआ था, अगर मैं बात 2010-11 की करूँ, तो उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट था वो सिर्फ 31 बिलियन US डॉलर था। तो चाइनीज कंपनीज एक तो इंडिया में बढ़ी हैं, दूसरा कि जो मेक इन इंडिया है उसके बावजूद भी क्यों ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, तो यहाँ पे सवाल उठता है मेक इन इंडिया को लेकर। तो दोस्तों बहुत से ऐसे सवाल है जो सरकार को जवाब देने पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम दोस्तों चाइना को बॉयकॉट कर पाएंगे। सो दोस्तों इस वक्त के लिए तो हम नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम चाइना और इंडिया से रिलेटेड ही वीडियो जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें यही हम बात करेंगे किस तरीके से और जो हमारे पास तरीके हैं जिससे कि हम वर्ल्ड लेवल पे चाइना को, नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों आपको यही मिलेगा कि चाइना को हम किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे उसको हम काउंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टाटा, बाय बाय।